हेलो बच्चों, ये हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट है। आई होप फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया होगा, सेकंड लेक्चर का एज वेल एज फर्स्ट लेक्चर तो आपने देख ही लिया होगा। तो बेटा, जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर का वो फर्स्ट पार्ट देखा है, उनसे ये सारे के सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। तो चलो देखते जाते हैं। आप लोगों भी मेरे साथ साथ ये क्वेश्चंस करने हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बेटा आप लोग अपनी स्पीड बढ़ाएं। और स्पीड जब ही आपकी बढ़ेगी, जब आपको सारे के सारे नोट्स क्या हो बेटा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, ठीक है। तो चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सूडो सॉलिड, इनमें से कौन सा सूडो सॉलिड है। तो बात ये आती है बेटा कि ये सूडो सॉलिड होता क्या है ना, कहता मैंने ये सूडो सॉलिड होता क्या है। तो सूडो सॉलिड क्या होगा बेटा, जो अमॉर्फस, कहता मैंने जो अमॉर्फस जो सॉलिड होंगे वही क्या होने वाले बेटा, आपके सूडो सॉलिड। तो अमॉर्फस सॉलिड कौन सा दिख रहा है बेटा आपको, यहाँ पे दिख रहा है क्या, ग्लास, अभी दिख रहा है ना। इसका आंसर क्या हो गया, बोलो ना आंसर क्या हो गया, ग्लास, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ग्रेफाइट इज एन एग्जांपल ऑफ, ग्रेफाइट किसका एग्जांपल होता है बेटा बताओ, किसका एग्जांपल होता है, आंसर क्या है, जल्दी 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 सॉल्व करो, जल्दी बोलो आंसर क्या बेटा, कोवेलेंट आ रहेगा आंसर, अरे डायमंड हो गया, ठीक है, ग्रेफाइट हो गया, सारे किसके एग्जांपल है बेटा, आपके कोवेलेंट सॉलिड का एग्जांपल है। उसके बाद अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड के बारे में देखो, आपने मैंने आपको बोला भी था क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस के आपको सारे के सारे डिफरेंस ध्यान रखने थे। तीन नंबर का क्वेश्चन वहां से बोर्ड में आ सकता है और एज वेल एज कॉम्पिटिशन में भी आ सकता है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, अमॉर्फस सॉलिड का सबसे पहला क्या रखा, पजेस शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल गलत बात, क्यों गलत बात है बेटा, क्योंकि ये तो किसकी प्रॉपर्टी है, क्रिस्टलाइन की। उसके बाद अंडरगो क्लीन क्लीवेज, तो बेटा ऐसा नहीं होता जब उसको नाइफ से काटते तो क्लीन क्लीवेज नहीं आता, अरे याद है ना, ये चीज किसकी थी बेटा, आपके क्रिस्टलाइन की थी, जबकि पूछ किसके रहा है, अमॉर्फस। थर्ड ऑप्शन पढ़ो, डू नॉट अंडरगो क्लीन क्लीवेज, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बेटा इसका, थर्ड हो गया। और फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा बेटा, पजेस लॉन्ग ऑर्डर, बिल्कुल गलत बात, इसका क्या ऑर्डर, ऑर्डर शॉर्ट ऑर्डर होता है। चलो उसके बाद वाला एक क्वेश्चन चलते हैं, आयोडीन क्रिस्टल्स आ रहा है, आयोडीन क्रिस्टल्स का बताओ एग्जांपल बताओ, सोचो बेटा इसका आंसर क्या आना चाहिए, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर सॉलिड इसका आंसर आएगा। चलो इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनमें से कौन सा क्रिस्टलाइन नहीं है, मतलब क्या हुआ, इनमें से कौन सा अमॉर्फस है। अरे चीज समझ रहे हो क्या, क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, तो कौन सा क्रिस्टलाइन नहीं है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना होता है बेटा, जहां पे भी नॉट दे रखा है उस पर क्या लगा लो, एक अंडरलाइन लगा लो, ठीक है। तो कौन सा क्रिस्टलाइन नहीं है, मतलब कौन सा अमॉर्फस है, तो अमॉर्फस देखो ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या, नहीं, आंसर क्या बेटा आपका, रबर। ये तीनों के तीनों पे क्या है बेटा, आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ठीक है। उसके बाद ए नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, ए बी के बराबर नहीं है और सी के भी बराबर नहीं है। याद करो हमने सेवन क्रिस्टल सिस्टम जो हमने देखे थे, वहां पे तीन ऐसे क्रिस्टल्स थे जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी था। आगे देखो, आगे क्या क्या बोल रहा है, अल्फा और गामा तो इक्वल है किसके, 90 डिग्री के, पर बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तो ये कौन सा सिस्टम है, याद करो बेटा, मैंने आपको बोला भी था सेवन क्रिस्टल सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद करो क्या आंसर आएगा इसका, बोलो आंसर क्या बेटा, मोनो क्लिनिक है ना, आंसर क्या बेटा, मोनो क्लिनिक। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट अनसिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम इस कौन सा सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिक है, मतलब किसमें सारे की सारी साइड भी इक्वल नहीं है, सारे के सारे एंगल भी इक्वल नहीं है। तो बेटा ऐसा एकमात्र एक ही है, कौन सा, ट्राइक्लिनिक, याद आ रहा है कि लास्ट वाला जो हमने टेबल में क्रिस्टल सिस्टम में सबसे लास्ट में जो लिखा था वही क्या हो गया, ट्राइक्लिनिक। उसके बाद क्या बेटा, ब्रेविस लैटिस कितने टाइप के होते हैं, याद करो 14, वो एक मैंने आपको नंबर याद करवाया था आरती वाला, याद है। तो चलो इसका आंसर क्या आ गया, 14, ठीक है। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग विल शो एन आइसोट्रॉपी, मतलब समझ गए क्या, एन आइसोट्रॉपी कौन सा दिखाता है, क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस, क्रिस्टलाइन है ना, और क्रिस्टलाइन दिखाएगा तो क्रिस्टलाइन का एग्जांपल कौन सा दिख रहा है आपको, ग्लास है क्या, ग्लास तो अमॉर्फस है, वुड पेपर कुछ नहीं है बेटा, तो आंसर क्या आएगा आपका, बैरियम क्लोराइड, आएगा नहीं आएगा, बैरियम क्लोराइड हो गया बेटा, CaF2 हो गया, ठीक है, CaF2 हो गया और NaCl हो गया, ये सारे के सारे क्या होता है, उनके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, तो आंसर क्या बेटा, बैरियम क्लोराइड। अरे समझ में आ रहा है ना बेटा, स्पीड बढ़ाओ बस, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन बनता है आपके सॉलिड स्टेट में, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, अगर सारी की सारी चीजें आपको आती है, सारी की सारी लेक्चर्स आपने मेरे देख रखे हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा इसके बाद वाले क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, इन बीसीसी स्ट्रक्चर में क्या पूछ रहा है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन और सेंट्रल एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है। तो याद करो बेटा, बीसीसी में दो ही चीजें होती हैं आपकी, एक तो कॉर्नर्स होते हैं और एक बॉडी सेंटर्ड होता है। एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, एक पर्टिकुलर कॉर्नर की बात होती है ना, तो एक कॉर्नर का कितना होता है, 1/8, और एक बॉडी सेंटर का कितना होगा बेटा, 1 होगा। अरे समझ में आया क्या, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर
वन, समझ में आया? ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द रेडियस, अब देखो ये नई वैरायटी आई है बेटा, ये वाले क्वेश्चन की वैरायटी क्या है, नई, तो नई वैरायटी वाला क्वेश्चन क्या है कि इफ द रेडियस ऑफ एन एटम, इफ द रेडियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 75 पिकोमीटर, बेटा ये क्या लिखा हुआ है, पीएम क्या है, प्रधानमंत्री, नहीं ये क्या है बेटा, पिकोमीटर है ना, पिकोमीटर और सेंटीमीटर वगैरह मैं कैसे करते हैं, वो सारी चीजें आपको आती है। खैर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो भी किसमें दे रखे हैं, पिकोमीटर में। तो देखना क्या है, इफ द रेडियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 75 पिकोमीटर, मतलब आपको क्या दे रखा बेटा, आर की वैल्यू दे रखी है 75 पिकोमीटर, ठीक है, और क्या क्या पूछ रहा है, द लैटिस इज बीसीसी, अच्छा उसने लैटिस का स्ट्रक्चर भी बता दिया बेटा, क्या पूछा है, बीसीसी दिया है, ठीक है, और पूछा क्या है, द एज ऑफ द यूनिट सेल इज, मतलब पूछना क्या चाह रहा बेटा वो, ए कितना होगा, और क्या दे दिया बेटा, बीसीसी दे दिया, और बीसीसी दे दिया, आर दे दिया, और ए पूछ रहा है, थोड़ा याद करो बेटा, थोड़ा याद करो, कल आखिरी वाले जो हमारा जो लेक्चर था, कल वाला जो लेक्चर था, उसमें उसमें हमने लास्ट में क्या बनाई थी बेटा, एक टेबल बनाई थी, तो उस टेबल में हमने ये फॉर्मूला लिखा था, आर और ए ने, आर और ए में रिलेशन था, बीसीसी में क्या रिलेशन था, याद करो क्या रिलेशन था बेटा, 4R इक्वल टू क्या था बेटा, रूट 3A, अगर ये ही रिलेशन था क्या, अरे बोलो ना यही था, तो 4R क्या था, किसके बराबर था बेटा, रूट 3A, मैं एक बार आपको वापस याद दिलाता हूँ, सिंपल क्यूबिक में A इक्वल टू क्या था बेटा, 2R था, बॉडी सेंटर में क्या था बेटा आपका, 4R इक्वल टू रूट 3A, जबकि फेस सेंटर में क्या था, 4R इक्वल टू रूट 2A, है ना, ये कैसा आया था, वो चीज में हमने पूरी पूरी मेजराइज की थी, पूरी पूरी देखी थी, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है बेटा आपका होमवर्क, मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मुला लिख दिया, मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मुला लिख दिया, 4R इक्वल टू रूट 3A रहेगा, बस R की वैल्यू रखो और A आप निकाल लो, जिसका जो भी आंसर आ रहा है प्लीज नीचे कमेंट्स में क्वेश्चन नंबर बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है और इसका आंसर लिख देंगे, जो भी आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है या फिर डी आ रहा है, अगर आपका आंसर सही है तो मैं आपको कमेंट आपका लाइक कर दूंगा और आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बेटा, अगला क्वेश्चन है SSF क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली बात है SSF है तो थोड़ा लेवल अच्छा ही होगा, पर पहले अच्छे लेवल करने की जगह पहले अपन थोड़े इजी क्वेश्चन सीख लेते हैं, जिसके बाद फ्री वाला क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे इजीली। तो देखो पहले इजी क्वेश्चन क्या है, a compound formed by elements, A and B has cubic structure in which A atoms are at the corners of the cube, क्या कहना चाह रहा है कि बेटा कोई एक स्ट्रक्चर बन रहा है, उसमें जो A है उसमें दो तरीके एटम्स था, आपके देख लो ऑप्शन में दो ही तरीके एटम दे रखे हैं, A B है ना, तो जो पर्टिकुलर जो A है, जो पर्टिकुलर A वाला जो एटम है वो कहां पे आ रहा है बेटा, एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, तो एक कॉर्नर कितना कंट्रीब्यूट करता है बेटा, 1/8, और टोटल कितना कॉर्नर्स होते हैं बेटा 8, तो 8 × 1/8 कितना आएगा बेटा, इसका आंसर 1 आने वाला है, मतलब A के कितने एटम्स है बेटा 1 है, आगे क्या हो रहा है, बी एटम्स आर एट फेस सेंटर, तो फेस सेंटर में बेटा बी के आपके एटम्स है, तो बी के एटम्स मतलब तो फेस सेंटर कितने होते हैं हमारे, 6 होते हैं, कितने फेस सेंटर होते हैं, 6 होते हैं, एक फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना था, 1/2, तो इसका अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स निकालूंगा तो नंबर ऑफ एटम कितना है, 6 × 1/2 मतलब कितना है, 3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी है, बी कितने बेटा 3 है, जबकि ए कितना रहता है बेटा आपका 1 आ रहा था, तो ए आपका 1 आया था, कैसे आया था मैं लिख देता हूं, 1/8 × 8 करके 1 आया था, जबकि बी कैसा आया था बेटा आपका 1/2 × 6, तो ये कितना आया था बेटा 3, तो पूछना क्या चाह रहा है, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी, अरे फॉर्मूला क्या बनेगा, ए कितना है बेटा बोलो ना, ए कितना है 1, जबकि बी कितना है 3, तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, AB3, तो AB3 कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3, अरे समझ में आया क्या, ये बहुत अच्छी वैरायटी बेटा और बहुत बहुत इजी वाले क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो देखो आगे, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, an alloy of copper silver and gold is found to have क्या कहना चाह रहे बेटा वो, is found to have क्या है उसमें, copper constituting the FCC lattice, copper जो है वो कहां पे आ रहा है बेटा, FCC lattice में आ रहा है, अगर silver atoms occupy the edge center, अब देखना बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ऊपर वाला, इसलिए मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, तो रब कर देते हैं जिससे यहाँ पे बेटा स्पेस हो जाए, और स्पेस हो जाएगी तो वहां पे हम क्या कर लेंगे बेटा, इस वाले नए वाले क्वेश्चन को इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो देखना क्वेश्चन क्या है कि एक एलॉय है बेटा कॉपर सिल्वर और गोल्ड, एलॉय तो समझते हो ना, इनको मिला के एक कुछ ना कुछ बनाने वाले हैं, तो उसमें क्या पाया जा रहा है कि जो कॉपर है, कॉपर कहाँ आ रहा है बेटा, कॉन्स्टिट्यूटिंग द FCC lattice, कॉपर कहाँ आ रहा है बेटा, FCC lattice,
एफसीसी लैटिस में बताओ नंबर ऑफ इफेक्टिव अटेम्प्ट जेड कितना आता था बेटा एफसीसी में? 4 आता था। कैसे 4 आता था, याद आ रहा है क्या? कि एफसीसी दो जगह होता है, एक तो कॉर्नर्स पे होता है और एक कहां होता है बेटा, फेस सेंटर पे होता है। इसका मैंने आपको जेड निकाल के बताया था, कैसे निकाला था याद करो, 8 × 1/8 ये तो हो गया कॉर्नर्स का, प्लस 6 × 1/2 तो ये क्या किसका हो गया, फेस सेंटर का। तो कितना आया, 1 + 3 मतलब कितना आया बेटा, 4। तो कहना क्या चाह रहा है कि कॉपर कितने हैं, कॉपर के एटम्स कितने हैं, 4 है। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है कि इफ सिल्वर एटम्स ऑक्यूपाई द एज सेंटर, आपके जो सिल्वर जो एटम्स है वो कहां रहे बेटा, एज सेंटर्स पर रहे, तो सिल्वर कहां पे आएगा, एज सेंटर। अब बताओ पहली बात तो कि कितनी एज होती है, एज कितनी होती है, 12 है ना, कितनी एज होती है बेटा, 12 एज होती है। और एक एज का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है याद करो, मैंने बताया था एक एज कितने कमरों में आएगी बेटा, आपके 4 कमरों में आएगी, तो 12 × कितना आएगा बेटा, 1/4, तो मतलब कितना हो गया ये, 3 हो गया। अरे हुआ नहीं हुआ, आगे देखो, एंड गोल्ड, अरे AU क्या होता है, गोल्ड। अच्छा पहले तो ये देखो, ये चीजें तो आपको पता है ना, AG होता है सिल्वर, AU होता है गोल्ड बेटा, अगर ये चीजें नहीं पता हो तो प्लीज अपने बेसिक्स करें क्लियर करें, है ना। तो ठीक है, देखो AU क्या होता है बेटा, आपका गोल्ड होता है, इट इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर में तो क्या आएगा बेटा, एक ही एटम आएगा, मतलब AU कितने है बेटा, एक एटम है। अब वही वाली बात कि द एलॉय हैज अ फॉर्मूला ऑफ, जो एलॉय आपका जो बना, इन तीनों को मिलाने पे जो आपका एलॉय बना उसका फॉर्मूला क्या आएगा, तो बोलो CU कितना है, CU4 है, AG कितना बेटा, AG3 है, AU कितना बेटा, AU1 है, तो CU4 AG3 AU1 कौन सा शब्द रखा है, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया क्या? अब आप बोलोगे सर यहाँ पे EU के नीचे बंद तो लिखा ही नहीं है, तो बेटा बंद लिखो चाहे ना लिखो, बात तो एक ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बेटा, मैंने आपको कुछ होमवर्क के लिए दो क्वेश्चन और दिए हैं, कौन कौन से, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो एक बार। इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ईच पॉइंट ऑन अ कॉर्नर इज शेयर्ड बाय, ईच पॉइंट ऑन अ कॉर्नर इज शेयर्ड बाय, बताओ किस किस से शेयर्ड होगा, पहला पॉइंट 2 यूनिट सेल से, सेकंड पॉइंट 1 यूनिट सेल से, थर्ड 8 यूनिट सेल से, या फिर फोर्थ 4 यूनिट सेल से, तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर होगा, आपको कमेंट में लिख के बताना है। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, which one of the following is primitive unit cell, अरे याद आ रहा है क्या, हमने दो तरह की यूनिट सेल पढ़े थे, तो क्या पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा प्रिमिटिव यूनिट सेल है। सबसे पहला सिंपल क्यूब है, बॉडी सेंटर, फिर फेस सेंटर, फिर बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर, कौन सा ऑप्शन होगा प्लीज कमेंट में लिख के बताएं। अब कहां हो जाते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 12 में, SSF क्वेश्चन, तो SSF क्वेश्चन के लिए हम ये वाला भी मिटा देते हैं, इसको करने के लिए थोड़ी स्पेस चाहिए, तो ये वाला हम यहां पे स्पेस लग कर देते हैं, कर दिया, ठीक है। तो चलो देखो क्वेश्चन क्या है, एक एफसीसी अरेंजमेंट है बेटा, ए और बी एटम्स का, दो आपके पास एटम्स हैं, एक बेटा आपका ए है, एक क्या बेटा आपका बी है ना। तो आगे क्या बोल रहा है, ए आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, ए कहां पे प्रेजेंट है बेटा, आपके कॉर्नर से प्रेजेंट है, टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8, मतलब 8 × 1/8 कितना आ गया बेटा, 8 × 1/8 कितना आ गया, बोलो ना कितना आ गया, 1 है ना, तो मतलब ए के तो कितने एटम्स है, 1 है। आगे क्या बोल रहा है, बी एट फेस सेंटर, जो आपका बी जो है वो कहां पे, फेस सेंटर पे, वापस वही वाली बात, कितने फेस सेंटर है, 6 फेस सेंटर है, एक फेस सेंटर का कितना कंट्रीब्यूशन है, 1/2, तो 6 × 1/2 कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। तो मतलब कहना क्या चाह रहा है, बी कितना है, 3। आगे पढ़ो, आगे क्या बोल रहा है, इफ A atoms are missing from 4 corners. अब देखो इसने पूरा का पूरा आपका सारी की सारी सिचुएशन ही एकदम से चेंज कर दिया, एकदम से चेंज कर दी, तो क्या हुआ कि जो A atoms क्या थे, वो मिस हो रहे बेटा 4 corners से, टोटल कितने corners होते हैं, 8 corners होते हैं, तो 4 तो मिस हो रहे हैं, तो बचे कितने 4, भाई 8 कॉर्नर से 4 मिस हो रहे, तो बचे कितने 4। तो अब यहाँ पे ए के ये 8 एटम्स हम नहीं लेंगे, हम कितने एटम्स लेंगे बेटा, 4 एटम्स ही हम लेंगे, कितने एटम्स लेंगे, 4 एटम्स ही हमें लेने हैं। और ऑब्वियसली बात है, हर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8, तो एक एटम का एक कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन है 1/8, तो 4 का कितना होगा, 4 × 1/8, तो ये कितना आएगा बेटा, बोलो ना, 1/2। अरे समझ में आया क्या, तो अब ये ए कितना है, 1/2। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, अब क्या आपका सिंपलेस्ट फॉर्मूला बनेगा, तो बोलो ए कितना है बेटा, 1/2 है, बी कितना है बेटा आपका, 3 है ना, बी कितना है, 3 है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 2 को उधर ले जाओ, तो ये क्या बनेगा बेटा, ए बी 6। अरे समझ में आया क्या, ये कितना बनेगा, ए बी 6, इट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन अच्छा था बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये चीज समझ में आई हो तो प्लीज लाइक कर दे, ये वाला वीडियो आप लाइक करें, तो चलो और आगे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करते हैं। हाँ तो बेटा हम आगे के क्वेश्चन करते हैं, आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17।
17 क्वेश्चन के बेटा तीन पार्ट है ना, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है कि ना एफसीसी एफसीसी के अंदर एन एटम एफसीसी के अंदर एन एटम का फर्स्ट में बोल रहा है एट द कॉर्नर्स कंट्रीब्यूट टू द यूनिट सेल, कितने एफसीसी में कितने एटम यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करते हैं। देखो क्वेश्चन अच्छे से समझना, जल्दबाजी नहीं। क्वेश्चन क्या है कि एफसीसी में ऐसे एटम जो कॉर्नर में होते हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं एक यूनिट सेल को। एक यूनिट सेल में एक कॉर्नर की बात हो रही है, एक एटम एटम की बात हो रही है ना, एक पर्टिकुलर एटम की बात हो रही है, एक एटम कॉर्नर पे कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो आंसर कितना आएगा बोलो ना, 1/8 बेटा। ये ऐसा ही क्वेश्चन है जहाँ पे सिली मिस्टेक्स होती है, तो प्लीज क्वेश्चन को दो बार पढ़ें और आपको आंसर समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है 1/8 पर। अगला क्वेश्चन क्या है, एन एटम एट द फेस सेंटर इज शेड बाय, कोई एक पर्टिकुलर एटम फेस सेंटर है, जैसे मान लो ये फेस सेंटर है तो यहाँ पे कोई एक जो पर्टिकुलर एटम है वो कितना शेड होगा, तो कितने से शेड होगा बेटा, चार यूनिट्स है, चार कमरों में शेड होगा एक पर्टिकुलर, दो कमरों में शेड होगा, एक कमरे में शेयर होगा, या फिर छह कमरे में शेयर होगा। बेटा ये चीज आपको पता है, एक पर्टिकुलर फेस सेंटर दो ही जगह शेयर होता है ना, दो ही जगह शेयर होता है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 2 यूनिट सेल, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि एन एटम एट द फेस, अब देख लो वापस एक एटम की बात हो रही है, एट द फेस कॉन्ट्रीब्यूट टू द यूनिट सेल, एक पर्टिकुलर यूनिट सेल की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में एक एटम फेस का कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है, एक पर्टिकुलर कमरे में एक फेस सेंटर कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। बेटा आंसर कितना है, 1/2, बस आंसर कितना हो गया 1/2 पार्ट, ठीक है, समझ में आया क्या। अगला क्वेश्चन क्या बेटा, ये इन बीसीसी एन एटम एट द बॉडी सेंटर, एक बीसीसी में है, बीसीसी में एक पर्टिकुलर जो एटम होता है बॉडी सेंटर पर कितनी जगह कंट्रीब्यूट करता है। बेटा होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट में करके बता देना, ठीक है। अगला क्या बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्यूबिक लैटिस हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, किस इन चारों में से, इन तीनों में से किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल। मतलब पूछना क्या चाह रहा है, जेड जो होता है बेटा वो सबसे ज्यादा किसमें होता है, सिंपल क्यूबिक में कितना होता है बेटा, 1 होता है। क्यों 1 होता है, क्योंकि ये केवल और केवल कॉर्नर्स पे ही होता है। तो 8 × 1/8 कितना आता था बेटा, 1 आता था। बीसीसी में कितना आता था बेटा, 2 आता था। क्यों 2 आता था, क्योंकि कॉर्नर्स पे तो होते थे और साथ में कहां होता था, बॉडी सेंटर पे भी होता था। एफसीसी में कितना आता था बेटा, 4 आता था। 4 कैसे आता था याद है, एक तो कॉर्नर्स पे आते थे 1 प्लस आपके फेस सेंटर वाले आते थे कितने 3, तो 1 + 3 कितना आता था बेटा 4। तो सबसे ज्यादा कहां पे बोलो, सबसे ज्यादा कहां पे, फेस सेंटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद The number of atoms present in a unit cell of a monoatomic substance of a simple cubic, body centered cubic and face centered cubic respectively are। मतलब पूछना क्या चाह रहा है कि number of atoms z कितने कितने होंगे, simple cubic में कितने हैं, body centered में कितने हैं और face centered में कितने हैं। अरे सर ये तो अभी तो आपने बताया, हाँ तो बस वही आंसर, बोलो जल्दी से बोल दो आंसर कितना लिख रहा है आपको, 1, 2 और 4। अरे यही आंसर है ना, यही आंसर है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है ना, एक पर्टिकुलर बीसीसी का यूनिट सेल है, अ मेटल एटम एट द सेंटर ऑफ द सेल इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी अदर मेटल एटम। इसका क्वेश्चन का मतलब समझे क्या, क्वेश्चन का मतलब क्या पूछना चाह रहा है, एक बीसीसी जिस कमरे में आप बैठे हैं वहां पे पर्टिकुलर एक जो बॉडी सेंटर वाला जो एटम है वो कितने एटम से सराउंडेड है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसमें आपको क्या बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो बताओ बेटा बीसीसी यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, याद करो ये एक आपका बॉडी सेंटर है, चार तो ऊपर कॉर्नर से जुड़ा रहेगा और चार नीचे वाले कॉर्नर से जुड़ा रहेगा, तो कितना आएगा बेटा 8, ठीक है, आंसर कितना है 8। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अ कंपाउंड इज फॉर्मड बाय टू एलिमेंट्स ए एंड बी, ए और बी दो तरह के आपके एलिमेंट है, उनको मिला के क्या बन रहा है बेटा, कंपाउंड बन रहा है। This crystallizes in a cubic structure when atoms A are present at the corners of the cube. देखो अब क्या कहना चाह रहा है कि A कहाँ पे बेटा आपका, A कहाँ पे है, A है आपके corners पे, A कहाँ पे बेटा आपके corners पे, corners कितना होता है बेटा, आंसर 1 है ना, 8 × 1/8 मतलब 1। आगे क्या हो रहा है, atoms B are at the center of the body, तो B कहाँ पे बेटा, एक center पे, और center कितना होता है आपका एक body का 1 होता है, मतलब B भी कितना बेटा बोलो 1 है। आगे क्या पूछ रहा है, द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, बेटा ये जितना सिंपलेस्ट फॉर्मूला पूछ रहा है उतने सिंपल ये क्वेश्चन भी है, तो आंसर कितना हो गया AB, कैसे A1 है B1 है, तो A1 लिखो B1 लिखो या फिर क्या लिख सकते हैं, AB इज द करेक्ट आंसर, समझ में आया क्या, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। हां तो बेटा आगे बढ़ते हैं हम, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, सोडियम मेटल एनए मेटल क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी लैटिस
विद द सेल एज ए दे रखा है बेटा आपको, और क्या पूछ रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ एन एटम। इजीली कर लोगे, कैसे करोगे बेटा, सोडियम मेटल बीसीसी लैटिस में है, बीसीसी लैटिस में रेडियस ऑफ ए का क्या रिलेशन होता है, अभी हमने एक आपको होमवर्क भी दिया था याद आ रहा हो तो, फोर आर इक्वल टू रूट थ्री ए। अब यहाँ पे ए दे रखा है, पूछ क्या रहा है बेटा आपसे, रेडियस पूछ रहा है, तो आई गेस आप लोग इसको कर लेंगे, तो चलो इसको भी अपन किसे मार्क कर ले बेटा, ओके होमवर्क में मार्क कर ले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एन एलिमेंट हैज बीसीसी स्ट्रक्चर हैविंग यूनिट सेल। देखो कोई एक एलिमेंट है वो क्या है बेटा, बीसीसी स्ट्रक्चर है, ठीक है, कितना यूनिट सेल दे रखा है, 12.08 × 10³। आगे क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ एटम्स इन दीस सेल्स इज, कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे बेटा, तो बताओ बीसीसी में कितने एटम्स होते हैं, दो, तो एक यूनिट सेल का कितना दे रखा है, 12.08 × 10³, तो दो का क्या होगा, टू से क्या कर दोगे बेटा, टू से क्या कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो टू से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 × 2 क्या होता है बेटा, 24, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अ मेटल हैज बीसीसी स्ट्रक्चर, एक मेटल है उसका बीसीसी स्ट्रक्चर है, एंड द सेल एज ऑफ इट्स यूनिट सेल इज, अब देखो क्या दे रखा है, ए, ए की वैल्यू दे रखी है बेटा कितनी, 3.04 एंगस्ट्रॉम, ये ए के ऊपर जो हम लगाते हैं ये क्या होता है बेटा आपका एंगस्ट्रॉम होता है। आगे क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज, द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज, वॉल्यूम पूछ रहा है, खास बात क्या है, किसमें पूछ रहा है बेटा, वो सेंटीमीटर क्यूब में, तो आपको एंगस्ट्रॉम से सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो बताओ ए दे दिया उसने, ए दे दिया और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मैंने आपको बताया था, यूनिट सेल क्या होता है, क्यूब होता है, और क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है बेटा, ए क्यूब, ए दे रखा है 3.04, सेंटीमीटर में करोगे तो क्या आएगा, 3.04 × 10⁻¹⁸, 3.04 × 10⁻¹⁸, तो इस पूरे का क्या कर दोगे बेटा, क्यूब करोगे तो बताओ 3 का क्यूब कितना आता है, 27, तो अप्रोक्सीमेट 2.81 इज द राइट आंसर। समझ में आया क्या, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, a compound having BCC geometry has atomic mass 50. अब देखो ये क्वेश्चन करने के लिए हमें थोड़ी स्पेस चाहिए, तो मैं ये वाला पार्ट बेटा सारा मिटा देता हूँ, आप लोग को अगर ये वाला पार्ट वापस देखना है तो आप लोग वीडियो को वापस पीछे जाके 10-20 सेकंड पीछे जाके इसको देख सकते हैं, तो देखो मिटाता हूँ। हाँ देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, BCC geometry बेटा एटोमिक मास दे रखा है 50, एटोमिक मास है 50, ठीक है। बीसीसी ज्योमेट्री मतलब z की वैल्यू कितनी बेटा 2 है। आगे क्या बोल रहा है, डेंसिटी आपको निकालनी है बेटा, डेंसिटी आपको निकालनी है, इफ इट्स एज लेंथ इज 290 पिकोमीटर, मतलब a दे रखा है बेटा कितना, 2.9 × 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर। अरे सर ये कैसे लिखा, तो बेटा ये तो रिलेशन होता है, देखो 290 पिकोमीटर को मैंने क्या लिख दिया, 2.9 है ना, × 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर, मैंने पिकोमीटर को कुछ नहीं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि जो डेंसिटी जो दे रखी है ऑप्शन में वो किसमें दे रखी है बेटा, सेंटीमीटर में दे रखी है। तो देख लो एज लेंथ आपको आ गई, ठीक है, डेंसिटी आपको निकालनी है, जेड आपको पता है, एटॉमिक मास आपको पता है, तो बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया था, हमने पिछली बार ही निकाला था, जेड इंटू क्या होता था एटॉमिक मास, कितना बेटा 50, जेड भी कितना दे रखा है बोलो, जेड कितना दे रखा है 2 है क्योंकि बीसीसी है, अपॉन एवोगैड्रो नंबर कितना होता है बेटा 6 × 10³ अप्रोक्सीमेटली के चल सकते हो, इंटू ए क्यूब का मतलब कितना हो बेटा 2.9 × 10⁻¹⁸ का क्यूब, 2.9 × 10⁻¹⁸, 2.9 को अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं बेटा 3 × 10⁻¹⁸ का क्या है बेटा ये क्यूब है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी डेंसिटी आ जाएगी। समझ में आया क्या, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो कैलकुलेशन वाला पार्ट तो बेटा आप लोग इजिली कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, एक मेटल है उसका एटॉमिक मास कितना बेटा 50 है। अब आप ऐसा मत बोलना सर हर मेटल का एटॉमिक मास 50 होता है, यहाँ पे 50 था यहाँ पे 50 बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे देखो, मेटल एटॉमिक मास 50 है, हैज अ बीसीसी क्रिस्टल सिस्टम, वापस वही वाली बात है, एटॉमिक मास दे रखा है, बीसीसी क्रिस्टल सिस्टम मतलब जेड कितना दे रखा है बेटा 2 दे रखा है, द डेंसिटी ऑफ द मेटल, अब क्या दे दी उसने डेंसिटी दे दी, अब पूछ कर रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, मतलब पूछ कर रहा है वॉल्यूम, पूछ रहा है मतलब ए पूछ रहा है या ए क्यूब पूछ रहा है बेटा, पहले तो ये क्लियर करें, वॉल्यूम पूछ रहा है मतलब ए क्यूब पूछ रहा है या ए पूछ रहा है, आंसर है ए क्यूब पूछ रहा है, ए क्यूब की वैल्यू बेटा सिंपल क्या करेंगे, वापस फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू z into एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना दे रखा है बेटा 50, जेड भी कितना दे रखा है बोलो, बीसीसी है तो जेड कितना होगा 2 होगा, एवोगैड्रो नंबर कितना बेटा 6 × 10³³ इंटू वॉल्यूम को क्या रख देंगे बेटा बी रख देंगे, और यहाँ पे डेंसिटी भी कितने दे रखी है बेटा बोलो उसमें 5.96, कितने दे रखी है बेटा 5.96, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका सिंपली वॉल्यूम आ जाएगा। अरे क्लियर हुआ क्या, कैसे निकालोगे 50 × 2 मतलब कितना हो गया बेटा 100 हो गया, ये 6 उधर ले जाओ, ठीक है, तो उधर जाएगा
वॉल्यूम भी उधर जाएगा, वो चीज यहाँ पे नीचे ले आओ, मतलब देखो मैं सॉल्व कर ही देता हूँ, कुछ नहीं, वॉल्यूम को उधर ले जाओ, वॉल्यूम को उधर ले जाओ, ऊपर क्या था बेटा 15 into 200 था, अपॉन में क्या था 6 into 6, इसको अप्रोक्सीमेट 6 मान सकते हैं ना, तो कितना हो गया 36 into 10 की पावर कितना चलो बेटा 23, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा बेटा वॉल्यूम आ जाएगा, निकालने के हमें वॉल्यूम ही तो निकालना है, तो वॉल्यूम हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी स्ट्रक्चर, एक आपका बीसीसी स्ट्रक्चर है उसमें वो एलिमेंट क्रिस्टलाइज कर रहा है, द एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल, आपकी एज लेंथ मतलब क्या दे दिया वापस बेटा, ए दे दिया वापस ए दे दिया, डेंसिटी देखो किसमें दे रखी है सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसको भी क्या करोगे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे, कैसे करोगे मैंने अभी आपको सिखाया था, कितना होगा 2.88 into 10 की पावर माइनस 8 है ना, ये हो गया सेंटीमीटर में, तो आपको बेटा एज लेंथ पता है, डेंसिटी आपको पता है, निकालने क्या बेटा आपकी बार आपको एटॉमिक मास निकालना है, बीसीसी है तो जेड कितना हो गया बेटा 2 हो गया, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एन एलिमेंट डेंसिटी, एक एलिमेंट उसकी डेंसिटी बेटा आपको दे रखी है, ऑकर्स इन बीसीसी स्ट्रक्चर विद द सेल एज 290 पिकोमीटर, अब कितना एज लेंथ दे दी बेटा उसने 290 पिकोमीटर मतलब कितना हुआ, अरे बोलो ना 2.9 into 10 की पावर माइनस 8, कैलकुलेट, ये सेंटीमीटर में मैंने बोला था है ना, सेंटीमीटर में बोला था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट, अरे ये तो बिल्कुल नई वैरायटी है, और ये नई वैरायटी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, अरे बोलो ना, नई वैरायटी वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं शानदार एसएसएफ क्वेश्चंस, तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से करेंगे, तो पहले यहाँ पे मैं स्पेस कर लेता हूँ और फिर इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं, इस क्वेश्चन का बेटा वो हर बच्चा अटेम्प्ट कर लेगा या हर बच्चा बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका निकाल देगा जिसने मेरे प्रीवियस दोनों लेक्चर्स बहुत ध्यान से देखे हैं, कुछ नहीं करना बेटा डेरिवेशन से ही उसने सारी चीजें पूछ ली, देखो क्या होना है डेंसिटी उसने दे रखी है बेटा कितने दे रखी है 6.8 दे रखी है, ठीक है, और क्या दे रखा है एज लेंथ मतलब ए दे रखा है कितना बेटा 2.9 into 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और क्या दे रखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स आपको निकालने हैं, जेड तो आपको पता है बीसीसी है तो जेड कितना होने वाला है 2 होने वाला है, और क्या दे दिया बेटा उसने मास दे दिया, मास दे दिया कितना बेटा 200 ग्राम, निकालना क्या है नंबर ऑफ एटम्स, तो कैसे निकालोगे बेटा नंबर ऑफ एटम्स, तो सबसे पहले तो हमारा डेरिवेशन पे जाओ, जो हमने डेंसिटी का जो डेरिवेशन निकाला था कैसे निकाला था, डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यहां से मास हमने कैसे निकाला था याद करो, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट किसके बराबर होता है नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर, यहां से मास हमने निकाला था याद आ रहा है मॉलिक्यूलर वेट को उधर फेंका था, तो मॉलिक्यूलर वेट इनटू नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर वगैरह वही वाली चीज जो हमने की थी, तो वहीं से डेरिवेशन से ही आपका ये सारा का सारा आंसर आने वाला है। अच्छा हमने क्या निकाला था बेटा इसका एटॉमिक मास निकाला था, एटॉमिक मास कितना आया था बेटा बोलो 6.8 into Avogadro number into इस 2.9 को क्या मान सकते हो बेटा approximate 2.9 को approximate कितना मान सकते हो 3 तो 3 का क्यूब कितना होगा बेटा 27 into 10 की पावर कितना चल जाएगा minus का 24 ठीक है अपॉन में क्या जाएगा बेटा बोलो ना अपॉन में क्या जाएगा 2 जाएगा ये तो क्या है बेटा आपका atomic mass है ना जबकि number of atoms का क्या formula होता है number of atoms का अपॉन क्या करते हैं बेटा एवोगैड्रो नंबर वही मोल्स का फॉर्मूला मिला था और मोल्स का फॉर्मूला लगा रहा हूँ इक्वल टू क्या होगा मास मास कितना दे रखा है 200 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट जो आपका निकाला है ये कितना निकाला बेटा 6.8 into Na है ना into 27 into 10 की पावर माइनस 24 और अपॉन में 2 है तो ये 2 कहाँ चल जाएगा बेटा 2 कहाँ चल जाएगा बोलो ना ये 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा तो 200 into क्या हो गया बेटा 2 हो गया, तो यहाँ से क्या निकाल लोगे बेटा नंबर ऑफ एटम, देखो मैंने अच्छी बात करी थी एन ए रखा था तो एन ए से एन ए क्या हो गया बेटा खचखच हो गया, नहीं तो अभी आप क्या करते यहाँ पे एन ए की वैल्यू रखते फिर मल्टीप्लाई करते तो एक कदम थोड़ा आपको क्वेश्चन के आगे सोचना पड़ेगा, तो बस देखो एन ए से एन ए कट गया इजी कैलकुलेशन हो गई नंबर ऑफ एटम बेटा यहाँ से आप निकाल सकते हैं और वो आएंगे बेटा आपके कितने 2.4 into 10 की पावर 24 इतने ही आपके नंबर ऑफ एटम्स आने चाहिए। ठीक है प्लीज ये वाला आंसर कैलकुलेट कर लेना और देखो फोर्थ ऑप्शन क्या लिखा था मैं नहीं बताऊं, तो बेटा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं तो बोलते हैं सर मैं तो नहीं बता रहा तो बेटा ऐसा मत करना, बहुत इजी क्वेश्चन था, कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं, एक क्वेश्चन मैंने करवाया है एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं। हाँ तो बेटा सेम उसी तरह का क्वेश्चन मैंने आपको एक होमवर्क के लिए दिया है, क्वेश्चन क्या है कि एक एलिमेंट है वो कहां पे क्रिस्टलाइज हो रहा है एफसीसी में क्रिस्टलाइज हो रहा है मतलब उसका जेड कितना है, जेड कितना है बेटा 4 है, आगे क्या बोल रहा है 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट मास दे दिया, देखना मास दे दिया 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट हैज 4.12 into 10 की पावर 24 एटम्स, अरे
मतलब थोड़ा बहुत ट्विस्ट आएगा, थोड़ा बहुत ट्विस्ट क्या है बेटा, यहाँ पे हम नंबर ऑफ आपको एटम्स दे दिए है ना, नंबर ऑफ एटम्स दे दिए, वेट पता है, तो यहाँ से क्या निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे, दिमाग में आई ना वो वाली बात, बस वही आपको पहले निकालना है। उसके बाद क्या करना है, द डेंसिटी ऑफ ए, जो ए है उसकी डेंसिटी भी दे रखी है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, डेंसिटी भी आपको पता है। आगे क्या बोलते हैं, कैलकुलेट एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इन पीको मीटर, यूनिट सेल की बेटा आपको एज लेंथ बतानी है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। अगला क्वेश्चन भी क्या है, इन एफसीसी अरेंजमेंट, एक एफसीसी अरेंजमेंट है ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी एटम्स है, हूज ए एटम्स आर एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल, मतलब देखो एक चीज तो पक्की है, ए कहां पे बेटा कॉर्नर्स पे है, कितने कॉर्नर्स होते हैं बेटा, 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 8 × 1/8 मतलब कितना आएगा, 1 आएगा। आगे क्या बोल रहा है, बी एटम्स एट द फेस सेंटर, बी एटम्स का बेटा फेस सेंटर पे है, मतलब वही 6 × 1/2, 6 × 1/2 मतलब कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। आगे क्या बोल रहा है, one of the A atoms are missing from one corner, मतलब समझे कि A atom जितने corners है वहां से एक atom बेटा miss हो रहा है, मतलब total कितने atoms थे बेटा, 8 atoms थे भाई, corner वाले तो 8 corners है ना, उनमें से एक miss हो गया, तो बचे कितने, 7, बचे कितने, 7, तो अब contribution कैसे आएंगे, अब उसके effective atoms कितने आएंगे, तो 7 × 1/8, तो ये क्या आ गया बेटा, 7/8, तो A की value कितनी आएगी, 7/8, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, बी तो उतना ही रहने वाला है, बी तो कितना रहेगा, 3 रहेगा। आगे क्या बोल रहा है, द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, बोलो सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, A7B3, गलत बात, AB3 देखते हैं, गलत बात ही है वैसे तो, A7B24 सही हो सकता है क्या, यही सही आंसर है, जिन बच्चों के दिमाग में कैलकुलेशन चल गया बेटा बहुत बहुत बढ़िया है ना। और फोर्थ ऑप्शन क्या बेटा, नोनी, जिसको हम नन बोलते हैं उसको मैंने नाम रख रखा है बेटा, क्या नोनी है ना, तो देखना देखना क्या है, ए कितना था बेटा 7/8 था, बी कितना था बेटा 3 था, तो ए के नीचे क्या लिखोगे बेटा, ए के नीचे क्या लिखोगे 7/8, बी के नीचे क्या लिखोगे बेटा 3, तो 8 को उधर फेंक दो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्मूला बनाया ना, तो 8 को उधर फेंक दो, तो क्या बनेगा, A7 बी कितना आएगा, 8 × 3 कितना होता है 24, तो A7B 24, बहुत 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 इजी क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन, आज का इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन हम करते हैं, अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, अ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है प्योर सब्सटेंस का, हैज अ एफसीसी स्ट्रक्चर, हैज अ एफसीसी स्ट्रक्चर विद अ सेल एज ऑफ 400 पिकोमीटर, मतलब इसने क्या दे दिया बेटा आपको, ए की वैल्यू दे दी, कितनी दी दी बेटा, 4 × 10⁻¹ सेंटीमीटर, अरे समझ में आया क्या किस तरीके से लिखा है। आगे क्या बोल रहा है, डेंसिटी भी दे दी बेटा उसने, डेंसिटी कितने दी उसने, डेंसिटी दे रखी है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आगे क्या बोल रहा है, देन द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स बेटा आपको निकालने हैं, प्रेजेंट इन 256 ग्राम, मतलब क्या दे दिया बेटा, मास दे दिया 256 ग्राम। आगे क्या बोल रहा है, ऑफ द क्रिस्टल इन एन n × 10⁻¹⁴, ये इनकी जगह क्या आएगा बेटा, इस मतलब नंबर ऑफ एटम्स उसने दे दिया आपको, कितने दे दिए नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स आपको दे दिए बेटा उसने, कितने दे दिए n × 10⁻¹⁴ नंबर ऑफ एटम्स दे दिए। पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ n इज, तो द वैल्यू ऑफ n इज, तो देखो इन सारे फॉर्मुलास में आपको एज लेंथ पता है, डेंसिटी पता है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, मॉलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। मॉलिकुलर वेट क्यों निकालेंगे, क्योंकि मास अपॉन मॉलिकुलर वेट किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर है ना, तो चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करो तो ये क्या था, डेंसिटी, डेंसिटी किस क्या है, 8 किसके बराबर होगी बेटा, एफसीसी स्ट्रक्चर है तो जेड कितना आएगा बोलो, जेड कितना आएगा बेटा 4 आएगा, इनटू मॉलिकुलर मास को हम मान लेते हैं बेटा एक्स अपॉन 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 बोलो बेटा अपॉन क्या आएगा, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर कितना है Na, इनटू ये कितना बेटा ए, एज लेंथ ए दे रखी है 4 × 10⁻¹, इसका क्या होगा बेटा क्यूब होगा, याद है ना ए क्यूब, तो डायरेक्ट लिख दूं 64 इनटू कितना जाएगा बेटा बोलो ना, इनटू कितना जाएगा 10⁻², ठीक है इतना कितना जाएगा 10⁻², 64 को बेटा उधर फेंक दो, तो 64 × 8 कितना होता है बेटा बोलो, करो 64 × 8 करके मैं एक बार बता देता हूँ, 8 × 4 = 32, 8 × 6 = 48, 48 और 3 कितना आएगा बेटा बोलो, 48 और 3 कितना आएगा 512, और 512/4, 512/4 करोगे तो कितना आएगा बेटा बोलो 128 आ गया आपका, तो यहाँ पे x, x की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 128 × 10⁻², ये आ गया क्या बेटा आपका मॉलिकुलर वेट, ये आ गया बेटा आपका मॉलिकुलर वेट। अब हमें निकालना क्या था, नंबर ऑफ एटम्स, तो आपको मास पता है बेटा कितना मास पता है 256 ग्राम, अपॉन मॉलिकुलर वेट कितना बेटा 128 × 10⁻², अरे रुको अभी हम एक चीज और मिस कर देंगे क्या, एवोगैड्रो नंबर, तो इनटू क्या आएगा बेटा यहाँ पे Na, यहाँ पे क्या कर दोगे बेटा इनटू Na, किसके बराबर है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम कितने दे रखे हैं बोलो
कितने दे रखे हैं n इंटू 10 की पावर 24, अपॉन क्या आएगा वापस एवोगैड्रो नंबर। अब देखो एवोगैड्रो नंबर से एवोगैड्रो नंबर क्या हो गया बेटा, खर्च खर्च, ठीक है। 10 की पावर -24 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 24, तो 10 की पावर 24 से भी 10 की पावर 24 क्या हो गया बेटा, खर्च खर्च। तो बचा गया 256 अपॉन 128, कितना आएगा बेटा, कितना आएगा 2। तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। बहुत 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 इजी क्वेश्चन था, और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे बेटा ये क्वेश्चन कहाँ पे आया था, आईआईटी में, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारा ये वाला लेक्चर खत्म। अब हम नए लेक्चर में, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बेटा, HCP हम लोग देखने वाले हैं, और voids, voids वगैरह के हम बारे में बात करने वाले हैं। कितने तरीके void होते हैं, 4 तरीके void होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो सारी की सारी बातें आएंगी बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज जितने भी मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, जितने होमवर्क वाले क्वेश्चन है, प्लीज 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 कॉमेंट में सारे के सारे इनके आंसर लिख के मेरे को बता देना, और अगर आपके आंसर सही है तो मैं आपको उसमें कमेंट में करके बता दूंगा। थैंक यू।